हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडिकेटर्स और एसिड्स के बारे में बातें कर ली थी। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की। इंडिकेटर्स वैसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। फिर हमने एसिड के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि एसिड्स वैसे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने एसिड के बारे में सारी बातें की, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके क्या यूजेज है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इतनी सारी बातें कर ली थी और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, बेसिस के बारे में। तो बेसिस के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बेसिस क्या है? सबसे पहली चीज़, व्हाट इज बेस या व्हाट इज अ बेस। बेस वो केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व होने पर या वाटर में डालने पर हाइड्रोऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। कौन सा आयन? हाइड्रोऑक्साइड आयन, OH-। इसे हम कहते हैं हाइड्रोऑक्साइड आयन। तो जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, वो बेस कहलाएगा। जो हाइड्रोजन आयन करता था वो क्या कहलाता था? एसिड कहलाता था। और जो हाइड्रोऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो बेस क्या है, समझ में आया? बेस वो केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व करने पर या वाटर में डालने पर क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। बेसिस का अगर आप एग्जाम्पल जानने चाहते हैं तो जितने भी मेटल उसके ऑक्साइड और हाइड्रोऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड है, मेटल जानते हो ना, वैसे सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम मेटल कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जितने भी हैं वो सभी के सभी उनके जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड मतलब जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, आयरन जब ऑक्सीजन करता है तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, कॉपर जब करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रिक क्यूप्रस बैलेंसी का डिफरेंस है दोनों में। जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम, जितने भी ऑक्साइड हैं मेटल के ऑक्साइड, सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, और जितने भी मेटल के हाइड्रोऑक्साइड, हाइड्रोऑक्साइड मींस OH, हाइड्रोऑक्साइड मींस OH, जिसके फॉर्मूला में OH लगा होगा, लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोऑक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोऑक्साइड। जितने भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोऑक्साइड है सारे के सारे नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं मेटल्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोऑक्साइड्स ऑफ ऑल मेटल्स आर बेसिस। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्कली। नेक्स्ट क्या है? अल्कली। अल्कली क्या होता है? अल्कली उन वैसे बेसिस होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती है। सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते। कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सम सर्टेन बेसेज आर वाटर सॉल्युबल लाइक सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रोऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, दीज आर द बेसेज विच आर वाटर सॉल्युबल, एंड वाटर सॉल्युबल बेसेज आर कॉल्ड अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। समझ में आया? तो ऑल बेसेज आर अल्कली? इनकरेक्ट। सभी बेसेज अल्कली नहीं है, बट ऑल अल्कलीज आर बेसेज? करेक्ट। क्योंकि सारे बेसेज अल्कली नहीं है, क्योंकि सारे बेसेज वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस ही तो अल्कली है। तो ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, बट ऑल अल्कलीज आर बेसेज, क्योंकि सारे के सारे अल्कली क्या है? बेस है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस ही तो अल्कली है। आया समझ में? तो स्टेटमेंट अगर दो दिया रहेगा ऑल अल्कलीज आर बेसेज एंड ऑल बेसेज आर अल्कली, तो हम कहेंगे कि ऑल अल्कलीज आर बेसेज, ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेस जो होती है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। नोट में सारी बातें लिखी हुई हैं, आप देख लेंगे। हाँ बिल्कुल लिखी हुई है। अब देखिए, जो बेस होता है उसके अगर आप टाइप्स पे बात करें, बेस के टाइप्स पर, तो ये होते हैं दो टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग बेसेज एंड वीक बेसेज। लाइक एसिड्स, एसिड्स भी क्या होते थे? दो टाइप्स के,
स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। याद कीजिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता था, जो वाटर में डिजॉल्व होने पर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता था उसे हम कहते थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता था उसे हम कहते थे वीक एसिड्स। ठीक उसी तरह वो बेसेज जो पानी में डालने पर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, जो बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसेज। एंड जो वाटर में डिजॉल्व करने पर कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो होगा वीक बेसेज। आया समझ में? अब आपको सर अभी तो आप तुरंत बोले कि सभी बेसेज वाटर सोल्युबल नहीं, तो फिर आप ये बोल रहे हो कि जो पानी में घुलेगा तब ना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। तो आंसर यह है बुआ कि हमें अल्कलीज ही पढ़ना है, हमें बेस नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। इस चैप्टर में भले ही चैप्टर का नाम एसिड बेसेज एंड साल्ट है लेकिन बेसेज के नाम पे आपको पढ़ना क्या है, अल्कली ही पढ़ना है, वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में ही स्टडी करनी है। जो बेसेज वाटर सॉल्युबल नहीं है उनके बारे में अभी आपको स्टडी नहीं करना है। इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूं कि वैसे बेसेज जो वाटर में डिजॉल्व करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेसेज, और जो कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो होगा वीक बेसेज। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनके जो ऑक्साइड या उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसेज होते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनके जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वे वीक बेसेज होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और लेस रिएक्टिव में आ जाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, समझ गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। जो कम रिएक्टिव है उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वीक बेस में आ जाएंगे, और जो ज्यादा रिएक्टिव है उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिटी ऑफ बेसिस। याद कीजिए जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो वहां हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड्स पढ़ा था, और मैंने वहां कहा था कि आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर एसिड में बेसिसिटी क्यों और बेस में एसिडिटी। अब देखो बेस में एसिडिटी आ गया, एसिडिटी ऑफ बेसिस, व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेसिस, तो आप यह बताइए तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। मॉलिक्यूल एसिड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता था, जितने हाइड्रोजन आयंस वो प्रोड्यूस करता था एक मॉलिक्यूल से, वो उसकी बेसिसिटी होती थी। ठीक उसी तरह एक बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट होंगे, वहां हाइड्रोजन आयन जितने लिबरेट होता था वो क्या होता था, बेसिसिटी होता था। यहां जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट होंगे वो होगा बेस का एसिडिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्यों इसको एसिडिटी और बेसिसिटी कहते हैं कुछ देर में हम बता रहे हैं, अभी बस आप समझ लीजिए कि एक बेस के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं जो कि लिबरेट होंगे वाटर में डालने पर वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी, एसिडिटी ऑफ बेसिस। समझे, देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स लिबरेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। यानी बेस के एक मॉलिक्यूल से उसके एक्वस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स क्या होता है, लिबरेट होता है, वो क्या होता है, उसका एसिडिटी होता है। और एसिडिटी को हम, एसिडिटी ऑफ बेस को हम हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ बेस भी कहते हैं। जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड को हम प्रोटीसिटी ऑफ एसिड भी कहते थे, याद है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड को हम प्रोटीसिटी ऑफ एसिड भी कहते थे। ठीक उसी तरह एसिडिटी ऑफ बेस को हम हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ बेस भी कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो सारी चीजें, नोट में सारी चीजें डिटेल्स में रखी गई। अब इसके बाद है बेसिस की प्रॉपर्टीज, बेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या क्या गुण हैं। तो बेस के बारे में आपने बचपन से एक ही बात तो सुन रखा है, क्या, बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि बेसेज आर बिटर इन टेस्ट,
बेसेस क्या होती है टेस्ट में, बीटर होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दे फील सोपी इन टच, जब उसको आप छुएगा ना तो वो सोपी लगेगा, यानी कि थोड़ा सा उसमें लगेगा कि साबुन जैसा छिछलन भरा रहेगा। आप छू के देखिएगा, अगर लैब में कभी खुलेगी क्लास तो लैब करके हम देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हाथ में लीजिएगा, जैसे लगेगा थोड़ा साबुन जैसा, थोड़ा सा मतलब स्लिपरी टच होगा। तो वो जो टच करने में जो है वो सोपी होता है। बेसेज जो होती है, या हम जो बेसेज बोल रहे हैं सच में वो किसकी बात करें, अल्कलीज की बात करें, ये बात आप माइंड में क्लियर रखिएगा। या हम जब भी बेस 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 वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कलीज की बात करें, ये आप याद रखिएगा। तो बेसेज जो होती है वो सोपी होती है टच में, छुएगा तो लगेगा जैसे स्लिपरी है टच में। और ये क्या करता है, लेटली रेड लिटमस को ब्लू करता है, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है। और मिथाइल ऑरेंज को ये क्या करता है, येलो करता है। मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, येलो करता है। और फेनोफ्थेलिन को ये क्या करता है, पिंक करता है। याद रखिएगा इंडिकेटर्स पे इसका असर, लेड लिटमस को ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू, मिथाइल ऑरेंज को येलो एंड फेनोफ्थेलिन को पिंक। सिर्फ यही तो करता था, फेनोफ्थेलिन तो कलरलेस रहता था एसिड में भी और न्यूट्रल में नहीं, तो फेनोफ्थेलिन के साथ इसी सबका खेल ही होता है। अब बाकी उन सभी का याद रख ही सकते हो आप। अब अगर बात करें नेक्स्ट, अगर इसके अलावा तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे या अल्कलीज के जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे उनमें कौन सा आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और आप जानते हो कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में आयंस मौजूद होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। जैसे एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता था वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता था, यही रीजन तो था कि बैटरीज में उसका इस्तेमाल किया जाता था नहीं तो, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन होता था। यहां बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। और हाइड्रोक्साइड आयन होने का मतलब कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस। आई होप आपको यह समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब इसके, अगर आप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, अब नेक्स्ट ये जो चार प्रॉपर्टी थी या पांच प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई वो जनरल प्रॉपर्टीज थी, और अब हम बात करेंगे किसकी, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, और बनाता क्या है, साल्ट एंड वाटर। ये बात हमने कहां पढ़ी थी, हमने एसिड्स में भी पड़ी थी कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और आज हम फिर कह रहे हैं इसकी इस प्रॉपर्टी में कि जब बेस, जब क्या, बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, बुआ, एसिड के साथ, जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन बेस का ले लो और एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस मतलब समझ रहे हो ना, पानी मिला हुआ एसिड यानी डाइल्यूटेड एसिड, तो आपको मिलेगा क्या, साल्ट मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और प्लस आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म मिलेगा। तो ये होता है रिएक्शन, जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो बनाता है क्या, साल्ट और वाटर। इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो, ये एग्जाम्पल लिखते चलिएगा, नोट तो आप लिख ही चुके होंगे। सबसे पहले जैसे कि NaOH, आप जानते हो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या होगा, बेस तो होगा ही होगा, क्योंकि मेटल का हाइड्रोक्साइड नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। तो NaOH प्लस HCl, HCl जानते हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपने लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, और जब दोनों रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl जो कि आपका क्या है, नमक है, नमक का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और प्लस मिलेगा क्या, H2O, H2O लिक्विड फॉर्म में। समझ गए, नाम मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं नाम, इतना तो आपको आ गया होगा ना, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, एंड H2O मींस वाटर, ये आप याद रखिएगा। और अगर बैलेंस तो ये ऑलरेडी बैलेंस ही है, इसे नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना होगा आपको, यहां पर 2 लगा दीजिए, यहां पर आप चलिए आप बैलेंस खुद से कीजिएगा, हम क्यों करें, आप बैलेंस कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एसिड की बात करें कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, एक और एग्जांपल, आपको एग्जांपल याद ही होगा, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए CaOH2 और प्लस आप डाल दीजिए मान लीजिए HCl, प्लस आप डाल दीजिए HCl, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और प्लस आपको मिल जाएगा वाटर। ये भी आप याद रख सकते हो, या नहीं तो अगर आप चाहो तो, आप चाहो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो MgOH2 और आप उसमें डाल सकते हो H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और आपको मिल जाएगा क्या,
आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और प्लस आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा H2O वाटर लिक्विड फॉर्म। तो ये सारे रिएक्शंस क्या हो गए, जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। अब देखिए ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। सवाल उठता है कि ऐसा क्या होता है कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ये तो एक क्वेश्चन है ना, कि एसिड के पास अपनी प्रॉपर्टीज है, बेस के पास अपनी प्रॉपर्टीज है, तो जब दोनों रिएक्ट करता है तो ऐसा क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो देखिए होता क्या है, एक बात बताओ, एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन आयन की वजह से, याद है ना। एसिड अपना इफेक्ट तभी दिखा पाता था जब वो वाटर के साथ होता था, और मैंने बताया था वहां कि वाटर के साथ ही वो अपना असर क्यों दिखाता है, क्योंकि वाटर में घुलने पर ही वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो एसिड के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी वजह से हैं, हाइड्रोजन आयन की वजह से, और बेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन एक दूसरे से मिल जाता है और वाटर फॉर्म कर देता है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्यूरिंग, ये नोट में भी लिखा हुआ है तो चिंता मत कीजिए, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एच प्लस है, ये H प्लस कहां से आया, H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में है, किसके एक्वस सॉल्यूशन में है बुआ, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में, H प्लस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में, और ये किसके साथ, HOH माइनस, किसके साथ, OH माइनस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, किसके में है, ये बेस में है, किस में है, बेस, और ये दोनों मिलता है और क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो देखिए एसिड का हाइड्रोजन आयन चला गया, अब बेस का हाइड्रोक्साइड आयन चला गया, असर चला गया ना, एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी किसके वजह से था, हाइड्रोजन आयन की वजह से, बेस का बेसिसिटी या बेस का जो उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी था वो किसकी वजह से था, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से था, और इसका हाइड्रोजन आयन चला गया और इसका हाइड्रोक्साइड आयन चला, तो प्रॉपर्टीज खत्म हो गई ना, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो, न्यूट्रलाइज क्यों होता है, समझ में आया, इसलिए होता है क्योंकि एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान कंबाइंड कर जाते हैं और वाटर फॉर्म कर देते हैं, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी चला जाता है और बेस का बेसिक प्रॉपर्टी चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। यहां भी देखिए ना NaOH, देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं NaOH, यहां से OH गया HCl, देखिए यहां से H गया और ये OH और ये H मिलकर वाटर बनाया, और देखिए NaCl बन गया। यहां भी देखिए COH2 था, इसका OH गया, इसका HCl था, इसका H गया, दोनों मिलके वाटर बनाया, CaCl अलग चला गया। यहां पे देखिए MgOH था, इसका OH गया, और इसका H2SO4 था, इसका H गया, और देखिए MgSO4 अलग मिल गया और OH और H2 मिलके फिर वाटर बनाया। तो यही होता है किसके द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों एसिड और बेस की प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज हो जाती है, हम आंसर देंगे क्योंकि एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाता है, एक दूसरे से कंबाइन कर जाता है और वाटर फॉर्म कर देता है, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पूरा कॉज। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, आई होप नहीं लिखा तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चले। तो अब आप बताइए, मैंने बताया था आपको कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। और अगर वो नेचर में एसिडिक है, अगर वो नेचर में क्या है, एसिडिक है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, क्योंकि एसिड का काम है किसके साथ रिएक्ट करना, बेस के साथ, और क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। तो ठीक उसी तरह यहां हम लिख सकते हैं कि एसिड, एसिड नहीं सॉरी, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान देना, जो बेस है, ध्यान से सुनना, बेस है उसमें क्या है, अगर बेस है तो उसमें मेटल है,
क्योंकि बेस है क्या, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। अरे बेस है क्या, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो बेस के अंदर मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर नॉन मेटल है, और मेटल नॉन मेटल जो ही मिलेगा तो तुरंत आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा एक दूसरे के साथ और साल्ट बना लेगा। ऐसा समझ में इसके पीछे का कॉज, आई होप आपको समझ में आया हो। तो बेस जब रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो आपको क्या बना के देता है, आपको बना के देता है साल्ट और वाटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या कीजिए, CaOH2 ले लीजिए। CaOH2 क्या हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो क्या होगा, एक बेस है, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बना देगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस बनाएगा आपको H2O। ये रिएक्शन याद है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन सीरीज में से था। याद कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डालते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम वाटर में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम, फिर वो सेलेक्ट लाइम को हम व्हाइट वॉश करने में यूज करते थे, और जब वो इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करता था तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था जो कि दीवार को उजला कर देता था। याद होगा आपको, वही रिएक्शन यहाँ भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ ही रिएक्शंस ऐसे हैं जो बाबू आपको याद करना है, उन कुछ रिएक्शंस को अगर आप याद कर लोगे पूरा काम चल जाएगा। बच्चे का जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि सर केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत हैं कैसे याद करेंगे। अरे भाई कहाँ ज्यादा है, कुछ ही रिएक्शंस तो याद करना है, उतना तो याद कर सकते हो। 15-20-12-13 महीने पहले पढ़ाया था वो, जब मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी, वो आपने देखा ही होगा, तो वो अगर याद रख लीजिए। और कुछ कुछ रिएक्शंस ही तो नहीं आ रहे हैं, बाकी कहाँ कुछ नहीं आ रहा है, वही रिएक्शंस घूम घूम करके आ रहे हैं। वही रिएक्शंस आप देखोगे फिर नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़ेंगे, फिर वही रिएक्शंस आएगा। तो रिएक्शंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अगर आप याद करने को तैयार है कुछ रिएक्शंस को, आप 10-15 भी याद नहीं कर सकते तो पढ़ना लिखना छोड़ दो, भैंस चराओ, बाबू को बोलो वो भैंस खरीद देने के लिए, तो बाद में निकल जाओ, वही कर सकते हो और क्या करोगे। तो इतना तो याद रख सकते हो ना, तो याद रखो इन सब चीजों को, कुछ ही रिएक्शंस है जो आपको क्या करना है याद रखना है। ओ यहां पर अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये जो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा और H2O लिक्विड फॉर्म में बनेगा, इतना याद रखिएगा, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या एक बेस होगा NaOH, होगा कि नहीं होगा, इसका एक और सॉल्यूशन ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लीजिए और आप इसमें मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए, बस कार्बन डाइऑक्साइड ही डाल दीजिए जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो आप देखेंगे आप बनेगा Na2CO3 और प्लस बनेगा क्या, प्लस बनेगा आपका H2O लिक्विड फॉर्म, इसका एक्वस फॉर्म। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम, CO3 का मतलब ही कार्बोनेट, याद रखो CO3 का मतलब कार्बोनेट, HCO3 का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो CO3 मतलब कार्बोनेट, Na क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसको डाइसोडियम कार्बोनेट पढ़ने की गलती मत करना कि डाइसोडियम कार्बोनेट, मैंने बोला था डाई ट्राई टेट्रा तभी लगाते हैं जब दो कंपाउंड्स पॉसिबल हो। हम जानते हैं कि जब भी सोडियम कार्बोनेट के साथ आएगा तो एक को सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, हम क्यों इसको डाइसोडियम कार्बोनेट कहें, हम इसे डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। हाँ अगर सोडियम के साथ कोई और कार्बोनेट होता, NaCO3 होता या Na3CO3 होता तो सोचते, Na2CO3 एक ही वो कंपाउंड ही है तो हम अलग अलग नाम क्यों दे Na2CO3। ये भी किसका एग्जांपल हो गया कि जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो आपको देता है क्या, साल्ट देता है और आपको वाटर देता है, ठीक है। और ये रिएक्शन याद रखिएगा, दोनों रिएक्शन अगर आप याद रख लेंगे तो यहां पर देखिए, यहां से एक बात और, कोई आपसे पूछेगा कि साबित करो कि नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है। क्वेश्चन आपसे सीबीएसई ये पूछ देगा, मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर वेरीफाइड, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे कि सिंस नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसेज एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, व्हिच मींस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाना, यह साबित करता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होती है, जो अगर वो एसिडिक नहीं होती तो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर नहीं बनाती। तो ये प्रूफ अगर हमें करना होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड सारे एसिडिक इन नेचर, प्रूफ कीजिए इसको, हम देंगे आंसर क्या, हम ये देंगे, अरे भाई बेस से रिएक्ट कर रहा है वो, साल्ट वाटर फॉर्म कर रहा है,
ऑब्वियस है वो क्या होगा नेचर में एसिडिक होगा। और आपसे कोई पूछे कि मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होती है साबित करो, तो सेम कोई आंसर, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होती है कैसे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाती है। तो एसिड से रिएक्ट कोई भी कंपाउंड अननोन कंपाउंड अगर वो साल्ट अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट वाटर बना रही है तो वो नेचर में बेसिक है। और जो कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट वाटर बना रही है वो नेचर में एसिडिक है। और यहीं पर खेल हो जाता है, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक, वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं कि ये तो एसिडिक होना चाहिए, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं अरे ये तो बेसिक होना चाहिए। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद होगा आपको मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात की थी कि कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो नेचर में एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल सबसे सुंदर दो एग्जांपल दो याद रखिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड दो ऐसे हैं जो क्या है नेचर में एम्फोटेरिक है। तो आप चलिए इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़े तो अब आपको कि सर जैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता था मेटल्स के साथ रिएक्ट करता था एसिड तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता था, क्या इसमें नहीं होता है बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है? तो हम कहेंगे कि हाँ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, एसिड के साथ सारे मेटल रिएक्ट करते हैं, बस शर्त क्या है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। नहीं कोई पूछे आपसे कि क्या गोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ रिएक्ट करेगा, हम कहेंगे नहीं करेगा क्योंकि गोल्ड हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर करेगा क्या, नहीं करेगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो भी है वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जितने भी हैं वो सारे के सारे करेंगे। लेकिन बेस के साथ ऐसी बात है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और क्या रिएक्ट कर क्या लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन। तो देखिए आपके नोट में लिखा हुआ एक प्रॉपर्टी कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है, बनाते हैं आपका मेटल साल्ट, और क्या बनाते हैं, लिबरेट करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि हम लिखेंगे यहां बेस प्लस मेटल, कुछ मेटल तो यहां नहीं लिखेंगे, कुछ ही मेटल है जो याद रखेगा, बेस प्लस मेटल आपको क्या मिलेगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, पॉप्स ऑन के साथ जलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहचान आप याद रखेंगे ना, हाइड्रोजन जब निकलता है बाहर तो किस साउंड के साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ जलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप NaOH ले लीजिए, NaOH ये रिएक्शन याद रखिए, एक नया रिएक्शन आ रहा है इसको याद रखिए, ये रिएक्शन बार बार काम आएगा, कार्बन उड़न में पढ़ेंगे वहां भी याद आएगा। तो NaOH एक्वस क्या बताओ, क्या है ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या है, बेस है। और इसमें आप क्या डाल दो, जिंक डाल दो, क्या डाल दो, जिंक, यू नो जिंक, जिंक लैब में अवेलेबल होता है, तो जिंक ले लो आप और इसको इसमें डाल दो तो आप देखोगे कि आपको मिलेगा NaZnO2, Na नहीं सॉरी Na2ZnO2, Na2ZnO2 ये है, इसे हम कहते हैं सोडियम, इसका नाम लिख देते हैं सोडियम जिंकेट, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और प्लस यहां से लिबरेट होगा क्या, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ ये करते हैं, और एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है सिर्फ यही कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्या डालोगे, जिंक डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर लिबरेट हो जाएगा। ये एक रिएक्शन याद रखिए, आपके लिए वही बहुत है। तो कुछ ही मेटल्स, और क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ, अब आप यहां देखते हो यहां पर कमाल क्यों हुआ, क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसी वजह से ये यहाँ रिएक्शन पॉसिबल भी हो गया, नहीं तो नहीं पॉसिबल होता। आप ये बात जानते हो कि कभी भी दो मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करते,
बताया था मैंने कि दो मेटल कभी एक दूसरे से रिएक्ट करने को तैयार नहीं होते, कभी एक दूसरे के साथ तैयार करने, यानी कि एक फॉर्मूला के अंदर दो दो मेटल मुश्किल ही चांस है कि आपको दिखेगा। और यहां पर देखो दो दो मेटल एक फॉर्मूला के अंदर दिख रहे हैं, सोडियम भी और जिंक भी। आई होप आपको समझ में आया हो। इसीलिए रिएक्शंस कम होती है, इसीलिए रिएक्शंस क्या होते, कम होते। एक तो ऑलरेडी बेस के अंदर एक मेटल है और तुम उसको एक मेटल से रिएक्ट करवाना चाह रहे हो, तो रिएक्शन होने का चांस तो कम होगा ही नहीं होगा, क्योंकि मेटल मेटल से रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो चलिए ये भी एक एग्जांपल याद रखिएगा, ये भी याद रख लीजिए, आप इसको भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि आखिरी प्रॉपर्टी है किसकी, बेसिस की, उस पर हम लोग आते हैं कि जो हैवी मेटल साल्ट्स मतलब कॉम्प्लेक्स मेटल साल्ट जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, तो जो हैवी मेटल साल्ट होती हैं वो रिएक्ट करती हैं बेसिस के साथ और फॉर्म करती हैं सिंपल मेटल साल्ट और प्रोड्यूस करती है सिंपल मेटल साल्ट और प्रोड्यूस करती है मेटल का हाइड्रोक्साइड। और क्या प्रोड्यूस करती है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। लेकिन शर्त यह है कि जो मेटल का हाइड्रोक्साइड वो बनाती है ना, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, वो प्रिसिपिटेट बन जाती है। क्या हो जाती है, प्रिसिपिटेट बन जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि आप ले लो जिंक सल्फेट ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा सर, पहले तो हमें तो स्केलेटन लिखना चाहिए ना, तो हैवी मेटल साल्ट, सॉरी वन मिनट, मेटल साल्ट जो कि कैसा है, हैवी है, हैवी मेटल साल्ट, मतलब समझ गए ना, मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, बेस के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। तो ये बनेगा क्या, मेटल साल्ट बनेगा। अब आपको कहेंगे सर मेटल साल्ट को रिएक्ट करवाए, मेटल साल्ट ही मिला, नहीं, ये मेटल साल्ट क्या होगा, लाइट होगा या सिंपल होगा, सिंपल लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो, इसे लाइट लिख सकते हो, यानी कि सिंपल मेटल बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा। और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड बाहर आता है, ये किस फॉर्म में आ जाता है, प्रिसिपिटेट के रूप में ये बाहर आ जाता है, यानी ये ऐसा मेटल हाइड्रोक्साइड होता है जो क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये स्केलेटल है और इसका हम एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या कर लो, आप ले लो जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट को भी एक विट्रोल है, आपको याद होगा जितने भी सल्फेट हैं वो क्या है, विट्रोल है। जिंक सल्फेट कौन सा विट्रोल था, व्हाइट विट्रोल। जिंक सल्फेट क्या था, व्हाइट विट्रोल। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल। फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रोल। जिंक सल्फेट, व्हाइट विट्रोल एंड H2SO4 सिंपल विट्रोल, याद होगा आपको। तो आप जिंक सल्फेट ले लो, इसका एक और सॉल्यूशन ले लो और इसमें आप डाल दो, इसमें आप एक बेस डाल दो, जो कि बेस के नाम पे मान लीजिए कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दी, NaOH, इसका एक्वस सॉल्यूशन डाल दो। तो आप देखोगे कि रिएक्शन जब होगा तो बनेगा क्या, बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्या बना, सोडियम सल्फेट, सोडियम का साल्ट बन गया, यह है सोडियम सल्फेट। और प्लस आपको मिल जाएगा ZnOH2, ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ZnOH2 क्या होगा, प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। और ये प्रिसिपिटेट जो होता है, ये क्या, मैं नाम लिख देता हूँ, हो सकता है कि इसमें आप लोग को नाम याद, इधर का तो याद होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख देते हैं। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, SO4 जहां लगा रहा है क्या होगा, सल्फेट होगा, और पीछे में जो मेटल होगा वो हो जाएगा। और ये क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट के रूप में निकल रहा है, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है। और ये प्रिसिपिटेट कलर में कैसा होता है, व्हाइट होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, व्हाइट होता है कलर में। आप इसे चाहो तो क्या कर सकते हो, आप याद रख सकते हो। जैसे अगर आप बात करें नेक्स्ट, तो एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे FeCl2, Fe मतलब आयरन और Cl2 दो क्लोरीन से रिएक्ट किया, यानी कि दो वैलेंसी यहाँ पे, और जब दो वैलेंसी होती है तो क्या कहलाता है, फेरस। तो ये हो गया फेरस क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड। और जब तीन से करता तो क्या हो जाता, फेरिक क्लोराइड। FeCl3 होता तो क्या हो जाता, बुआ, फेरिक क्लोराइड, आपको याद होगा। तो आपने क्या लिया, फेरस क्लोराइड लिया, और इसमें आपने मान लो कि डाल दिया NaOH, क्या डाल दिया, NaOH, जो कि एक्वस रूप में था।
तो देखो ये बेस के साथ रिएक्ट करिए, ये देखो मेटल साल्ट है, HCl2 मेटल साल्ट है और NaOH एक बेस है। जब इसमें तुमने डाला तो ये क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा NaCl एक्वस सॉल्यूशन, क्या मिल जाएगा NaCl और प्लस यहां पे निकलेगा FeOH2। ये क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड, क्या है फेरस हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होगा बुआ, ये प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर जाएगा, किसके रूप में बाहर जाएगा, प्रिसिपिटेट के रूप में। तो ये हैवी साल्ट है, याद रख सकते हो आप, ये हैवी साल्ट है और सोडियम क्लोराइड आप जानते हो एक सिंपल साल्ट है, NaCl का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सोडियम क्लोराइड है पता ही आपको। और FeOH2 ये क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड, आप चाहे तो इसे लिख देता हूं मैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि मेटल, हैवी मेटल साल्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, और क्या फॉर्म करता है, सिंपल मेटल साल्ट बनाता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो ये अब यहां पर अगर आप समझने की बात करो ना, तो देखो ये रिएक्शन सच में कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन सच में अगर देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तीन होता था, कौन कौन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका एग्जांपल है, प्रिसिपिटेशन का एग्जांपल है। और देखो यहाँ पे बेस में जो मेटल है, देखो इसमें भी मेटल, एक मेटल साल्ट ऑलरेडी है और प्लस उसमें आपने बेस डाला, तो बेस के अंदर में भी मेटल है, मेटल साल्ट के अंदर में ऑलरेडी मेटल है, लेकिन यहां पर अगर गौर से देखो तो बेस के अंदर जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है और मेटल साल्ट में जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव जाता है और कम रिएक्टिव होता है, हटो डिस्प्लेसमेंट कर दे, तो वो भी बात है। तो ये रिएक्शन तभी होती है जब वो ज्यादा रिएक्टिव हो। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आप चाहो तो ये इसको याद रख सकते हो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, का एग्जांपल है, उसमें किसका, प्रिसिपिटेशन का। तो ये सारी बातें थी किसकी, बेस से रिलेटेड बातें, यही सारी थी, यही सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, बेस के बारे में इससे ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके यूजेज, बेस की क्या यूजेज है वो हमें याद रखना। तो बेस का अगर यूजेज देखो तो नोट में एकदम लिखा हुआ है बढ़िया से, यूजेज में क्या याद रखना उसको तो याद ही करना है। देखिए पांच यूजेज लिखी गई है, सबसे पहला यूज लिखा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, वाटर, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इत्यादि। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में, पेपर बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सॉरी यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, वाटर लिखा, वाटर बनाने में थोड़ा यूज होता है, ये मिसप्रिंट है बुआ, काट देना इसको, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, वाटर नहीं होगा यहाँ पे। सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इटीसी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, याद रख सकते हो आप। वैसे मेटल डेनोमिनेटर पढ़ेंगे तो वहां हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा जन्म कुंडली पढ़ना है, समझ गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन अल्कलाइन बैटरीज एंड सॉफ्ट सोप, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका इस्तेमाल अल्कलाइन बैटरीज में होता है, ट्रैक्टर सब में जो बैटरी होता है उसमें एसिड नहीं होता, उसमें बेस होता है, समझ गए ना, क्या होता है, बेस होता है। तो जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा, कौन यूज होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और हम लोग के घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला बैटरी होता है, एसिडिक बैटरी है, वो बेसिक बैटरी अल्कलाइन बैटरी होती है। तो अल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल होता है क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप मतलब जो हमारा शरीर पे लगाने वाला साबुन होता है, शरीर मतलब बॉडी सोप भाई, एक होता है कपड़ा धोने वाला साबुन, एक होता है बॉडी सोप, एक होता है बर्तन मांजने वाला विम बार, पतंजलि, विम बार नहीं विदेशी कंपनी ने, ठीक है ना, लोकल के लिए वोकल बनो। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मोदी जी बोले थे ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल अल्कलाइन बैटरीज में होती है और सॉफ्ट सोप में इस्तेमाल होता है, समझ गए ना, मतलब सॉफ्ट सोप मतलब समझ गए ना, वो स्किन पर जो लगाने वाला सोप होता है उसका। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक पोटास कहते हैं, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक पोटास। अब अगर नेक्स्ट अगर यूज देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुनते ही दिमाग में चूना पोता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड आपको सर ये हार्ड वाटर क्या होता है, क्या उसमें मुक्का उक्का मारेंगे तो टूटेगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी वाटर ही होता है। हार्ड वाटर का एक ही चीज बात है कि हार्ड वाटर में अगर आप सर्फ घोलोगे ना तो वो आराम से झाग पैदा करेगा, लेकिन साबुन झाग पैदा नहीं करेगा। हार्ड वाटर को पहचानने का तरीका यह है कि सोप जो होता है ना, जो जनरल सोप होता है उसमें झाग पैदा नहीं करता है, और डिटर्जेंट उसमें झाग पैदा कर देता है। ये हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में, लास्ट टॉपिक, यानी आपके केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक,
समझ लीजिए सॉप एंड डिटर्जेंट, वहां पर रहेंगे हम। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में किसका इस्तेमाल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने, ब्लीचिंग पाउडर जानते हो ना, कपड़ा धोने वाला जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, अगर कलर उलर लग गया, कलर उलर उड़ाना हो तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके आप उड़ा सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, तो वो क्लोरीन जो ही डालते हैं ना उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया जाता है ना, सुखा, पढ़ेंगे हम लोग साल्ट में पढ़ेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, उस पर क्लोरीन गैस पास करवाया जाता है, वो ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। तो ठीक है, वहां पढ़ लेंगे छोटा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इस्तेमाल होता है। और प्लस आप देखते होंगे, अगर आपके गाँव में कभी आप रहे हो, अगर आप गाँव में रहे हो, तो जो पोखर का जो पोखर जो मलाह सब होता है, जो पोखर में मछली पालता है, वो कुछ कुछ दिन पे चूना डालता है पोखर में। चूना मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना मतलब क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्ट लाइम। तो सिलेक्ट लाइम वो डालता है किसमें? पानी के अंदर, पानी में डालता है पोखर में। क्यों? देखो समझो, जनरली तुम देखना जब बारिश का महीना होगा, बारिश खत्म होगा तब चूना डाला जाता है। उसको पता नहीं है कि हम क्यों डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे हैं, उसको क्या पता कि बेस है कि साल्ट है। वो क्या डाल देते, सब डालता है, हम भी डालते हैं, इसमें क्या है? वो फलना भी पोखर वाला डाला, हम भी डाल दिए। सच बात यह है ना कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है उसमें वो एसिडिक होता है, क्योंकि हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस है, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और वो नॉन मेटल के ऑक्साइड एनवायरमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब बारिश होती है तो नॉन मेटल ऑक्साइड उस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और एसिड रेन कॉज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड घुल करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड फिल करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देता है, और वो किस में घुल जाता है? पानी में। और वो पानी जब गिरती है तो एसिड रेन हो जाता है, और वो एसिड रेन वाला पानी बह के कहाँ जाएगा? पोखर तालाब में। तो पानी का वो जो पोखर का पानी है वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो उसमें रहने वाले मछलियों के लिए जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो करता क्या है ना, उसमें डाल दिया आपने क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? बेस है। बेस आप डालोगे तो क्या होगा? एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर से काम अच्छा है। आया समझ में? इन्हें कि बहुत डाल देना तो पता चला जब बेस में मछली मर गई, एसिड से बचाने के चक्कर में बेस में मार दी, ऐसा नहीं, मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में डाला जाता है। इवन जो कई बार होता है कि खेत उत में भी डाला जाता है, चूना डाला जाता है, जब खेत बंजर होने लगता है तो उसमें चूना डाला जाता है, ठीक है ना, चूना डाल दिया जाता है। तो चूना डालने का ये भी फायदा होता है कि अगर अगर पीएच टेस्ट करते हैं ना, पीएच, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएच स्केल ही है जिसमें पीएच के बारे में सारी बातें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर हमें ये लगता है कि मिट्टी एसिडिक हो गया है, इसकी वजह से उपज नहीं हो रहा है, तो किसान क्या करता है ना, उसमें सिलेक्ट लाइम मिला देता है, चूना मिला देता है। चूना मिलाने से क्या होता है? उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, फिर से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, समझ गए ना। और मिट्टी के एसिडिक होने का रीजन है कि अंधाधुंध हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो उसके वजह से वो एसिडिक हो जाती है। चलिए वो जो भी है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल आपको ब्लीचिंग पाउडर में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, एसिड को सॉइल में मौजूद एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, ये सब यूज हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चले हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है जो कि एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है। यू नो एंटासिड, एंटासिड याद कीजिए, न्यूट्रिशन, मैंने कहा था जब इनडाइजेशन होता है, जब खाना सही से नहीं पचता है, गैस फॉर्म होता है आपके पेट में, तो आप एक केमिकल लेते हैं जिसे एंटासिड कहा जाता है, जो आपके पेट के अंदर मौजूद एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जो कि क्या है? जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, नॉट ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, याद होगा क्लास 9th में पढ़ाया था मैंने। तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब क्या? डिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिल्टर पेपर से छनाएगा भी नहीं। बस एक ही पहचान है कोलाइडल सॉल्यूशन को पहचानने का, कि वो स्कैटर करता है लाइट को। मैंने कहा था ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में एक ही डिफरेंस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करता है। बाकी आप माइक्रोस्कोप लगा लो, फिल्टर पेपर लगा लो, कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कोलाइड है, लगेगा ट्रू सॉल्यूशन ही है। स्टेबल भी होता है, बैठता भी नीचे, सस्पेंशन बैठ जाता है, याद है ये सब चीज, उड़ गया सब चीज, याद होगा आई होप। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसे हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है एंटासिड के रूप में, जो कि आपके स्टमक में मौजूद एक्सेस एसिड को, क्योंकि आपका जो गैस्ट्रिक जो सिक्रेट हुआ उसमें HCl है, तो अगर एक्सेस में आ जाएगा तो आपको पेन कॉज करेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल आप
क्लॉथ व्लॉथ पे अगर ग्रीस व्रीस का दाग लग गया तो वो हटाने में किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे यूजेज हैं किसके, बेसिस के, पांच यूजेज हैं। तो आई होप आपको बेस पूरा समझ में आया होगा, एक ही लेक्चर में मैंने बेस क्लियर कर दिया। नोट में से पढ़ लीजिए, एक बार अपने स्कूल वाला बुक उल्टाइए उसको पढ़ लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप। अगर होगा तो पूछने के लिए तो आपको बताइए, कमेंट करना है, या नहीं तो आप व्हाट्सएप वाले डेस्क में पूछिए, आराम से आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग, अगला दिन का हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल, जिसमें हम पीएच से रिलेटेड सारी बातें करेंगे और उसके बाद हम साल्ट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।